नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना के बारे में। पीएम किसान का पैसा आने वाला है, उसके लिए आपको जाकर के गूगल पे सर्च करना है। हम अभी जाकर के गूगल पे पीएम किसान सर्च करते हैं और यहाँ पे देखिए पीएम किसान का सारा चीज़ आ गया है। यहाँ पे देखिए किसानों की समृद्धि में भागीदार बन रही केंद्र सरकार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का हस्तांतरण। 9.4 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि 9.5 करोड़ किसान को 20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। और कब किया जाएगा? 5 अक्टूबर को। आप सामने में आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सामने में देखिए, ये है पीएम किसान का पोर्टल और यहाँ पे देखिए सारा चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग आप पा सकते हैं, ठीक है। अगर आप नया फार्मर है, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये देखिए यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर आप पुराने फार्मर है, आपको पैसा नहीं आ रहा है, EKYC का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जाकर के EKYC कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 18th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 5th अक्टूबर 2024। EKYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स। OTP बेस्ड EKYC इज अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSE सेंटर में भी कंटेक्टेड फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड EKYC। कहने का मतलब है कि 18वीं इंस्टॉलमेंट जो है पीएम किसान का, 18वां इंस्टॉलमेंट 5 अक्टूबर को आएगा और उसके लिए पीएम के लिए जो किसान है उन लोगों का EKYC मैंडेटरी है, EKYC करना ही पड़ेगा। और आपका DBT अकाउंट रहना चाहिए, DBT बैंक अकाउंट रहना चाहिए, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, IPPB का अकाउंट अगर पोस्ट ऑफिस में खोल लेंगे तो उसमें पैसा आ जाता है, ठीक है। और अगर आप EKYC नहीं किए हुए तो EKYC जा कर के कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा रफ आइडिया देते हैं, यहाँ पर जाइएगा फार्मर कॉर्नर में, EKYC का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर वगैरह सब मांगेगा, आधार नंबर दीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, ठीक है। हमने कोई भी आधार नंबर नहीं दिया इसीलिए ऐसा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप चेक कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपका स्टेटस क्या है नहीं है, यहाँ पे देखिए नो योर स्टेटस है। फिर उसके बाद देखिए आपका मोबाइल नंबर अगर अपडेट करना चाहते हैं पीएम किसान पोर्टल पे, यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपसे नहीं होता है तो किसी भी CSE सेंटर में जा कर के, नियरेस्ट CSE सेंटर में जा कर के ये सब चीज़ कर सकते हैं। अगर आप पैसा रिफंड करना चाहते, वैसे तो कोई पैसा रिफंड नहीं करना चाहता है, फिर भी अगर करना चाहते ये सब कुछ व्यवस्था है। अगर नाम वगैरह सब गलत हो गया आधार के हिसाब से तो चेंज करना चाहते तो वो सब कुछ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए न्यू नेम एज़ पर आधार, आधार में जो नाम है वही इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर आप अकॉर्डिंग टू आधार नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, सारे स्टेट्स में पैसा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में जितने भी बेनिफिशरी हैं उन लोगों को पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 76,58,651 बेनिफिशरी है, उसमें से फ़ंड ट्रांसफ़र कितने यूनिक बेनिफिशरी कितना है, 76,55,566, ठीक है। यानी कि 2,000-1,500 का डिफरेंस है, उन लोगों को पैसा नहीं आता हो सकता किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल में ड्यूटी करते तो यहाँ कितना है, कितने बेनिफिशरी है वेस्ट बंगाल में, 19,38,417 बेनिफिशरी, उसमें से 18,18,000 बेनिफिशरी को पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। और रेट कितना है, 94% रेट्स है, ठीक है। यानी कि जो भी ट्रांसफ़र किया जाता है, यहाँ के लोग थोड़ा सा क्या है उतना समझते नहीं है, ठीक है। तो जो भी केंद्र का जो भी बेनिफिट्स वगैरह सब मिलना चाहिए मिल नहीं पाता है, शायद जागरूक नहीं उतना, या फिर हो सकता है केंद्र से कुछ प्रॉब्लम हो, जो भी हो। लेकिन देखिए यहाँ पे बिहार में 100% है, यहाँ पर देखिए उड़ीसा में भी 99% है, आंध्र प्रदेश में 100% है, तमिलनाडु में 100% है, महाराष्ट्र में 99% है, गोवा में 100% है, राजस्थान में 100% है, असम में 97% है, मिजोरम में 100% है। कोई भी चाहेगा कि हमारा पैसा आए और हम छोड़ दें
कोई भी पैसा नहीं छोड़ना चाहता, जो भी गवर्नमेंट पैसा देता है सब का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो यहाँ पर जा कर के आप सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है पीएम किसान पोर्टल पे, और यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है 5th अक्टूबर 2024 को 5 अक्टूबर को पैसा आएगा पीएम किसान का। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके पूछिएगा, बता देंगे, ठीक है। अगर इस तरह का वीडियो, लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं पीएम किसान का, तो हमारे चैनल पे हम हमेशा अपडेट्स कर देते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितने भी किसान लोग हैं और हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए क्या होता है। हम कोशिश करेंगे पूरा हेल्प करने का आप लोगों का। बहुत लोगों का पैसा नहीं आता है, बहुत टेंशन में रहता है, तो हम बहुत लोगों का हेल्प किए हैं, कम से कम 1,500-2,000 आदमी का ठीक ठाक किए हैं पीएम किसान का प्रॉब्लम था। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना है मुझे, सो ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं। 5 अक्टूबर को पैसा आ रहा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फार्मर्स कि आप लोगों को पैसा मिलेगा, किसान तो गर्व है देश का, ठीक है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।